समय पर सब काम होने चाहिए, तभी तो उसका आनंद आता है। कोई गायक गीत गाता है, तो अकेला गायक हो जाता हूँ, उसके साथ दूसरा वाद्य वादक आता है, तो वह गायक के साथ साथ वादक होने से उसमें लय आता है, और जब लय आता है इन दो के साथ, तो तीसरा व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है, उसका नाम नर्तक होता है। जब उसके पैरों के घुंघरू बजने लग जाती है, तो आप लोगों के हाथों में अपने आप ही स्पंदन आता है और ताली बज जाती है, और आप लोगों के हाथों में जो तार आता है इन तीनों के ऊपर आधारित होता है। ये जो तीन नहीं है ताली ऐसे थोड़ी बज जाती है। बहुत अच्छी बात है, इन तीनों में या चारों में लय आता है, इसको गीत न कह करके इसको संगीत कहते हैं। गायक हुआ, वादक हुआ और नर्तक हुआ, दर्शकों में जो एक प्रकार से रैव उल्लास उमंग उठने लग जाती है, तो सोई हुई रहती है, उनको क्या समझ में आया कुछ नहीं, किंतु देखने में कानों के पेशा से आदि आदि एक ऐसा वातावरण बना जिसके द्वारा एकाग्रता अपने आप ही बनती चली जाती है। इसमें से थोड़ी भी आगे पीछे हो जाता है, वह लय टूट जाता है। लय टूटने से संगीत का विलय हो जाता है। संगीत का विलय ये निश्चित हो जाता है, क्योंकि गीत का विलय तो नहीं होता, किंतु संगीत का विलय हो जाता है। इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें समानता की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, विषमता इसमें सहन करने योग्य नहीं रहती। समता एक अनिवार्य तत्व है, इसी समता का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग पर आरोह होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन के मन वचन काय की चेष्टा को लयबद्ध क्रम में बांध करके चलने का प्रयास करिए। आपके चलने चाल में भी संगीत और समता आ जाए, आपके देखने में भी संगीत या अलौकिक आनंद आ जाए, और उस समता के साथ चलने से विश्व से भरा हुआ विश्वधर भी आपके लिए बहुत ही शांति के साथ देख लेता है, तो इस विश्व का हरण जो होता है वह आपकी समता के ऊपर आधारित है। उसने त्याग नहीं किया, किंतु समता के कारण उसके विश्व हरण नहीं हुआ, उपशमित हुआ, और ये उपशम एक प्रकार से उसके विकास के लिए जीवन में लय लाने के लिए कारण बन जाता है। इसलिए सर्प से कोई डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब वादक बजाने लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं, भीम, हाँ भीम भीम, हाँ उसको सफेद न कहो, वो भीम होता है। तो भीम क्या है ये, तो हम उसको वादक मानते हुए भी हर एक व्यक्ति के वादक में वादकत्व में सर्प को हिलाने की किलाने की कोई शक्ति क्षमता नहीं रहती,
किंतु वह बीन बजाने लग जाता है तो वह अपने आप ही सर्प बोलो, उसके पास हाथ तो है ही नहीं और उसके पास अभिव्यक्ति के लिए कुछ है ही नहीं, तो वह अपना फना यूं उठा करके ये क्या है, उसका भीतर का संगीत काम कर रहा है। संगीत प्रेमी भी होता वो और संगीतज्ञ भी होता वो, लेकिन लयबद्ध हो तो, नहीं तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो मुझे दिखा तो रहे हो दोष के पात्र आप हो, मेरे संगीत में कोई दोष नहीं है। ऐसा ही कुछ घटित हो जाता है जब दर्शक लोग शांत होकर के सुनने लग जाते हैं। सुनने योग्य हो तो सुनोगे, ये सुनने योग्य कब बनता है, तो जब हम कुछ अलौकिक देखने लग जाते हैं। वह अलौकिकता कहीं बाहर से नहीं आती, किंतु हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो उसमें वह लीन होने को हो जाता है। ये तल्लीनता लीन होना ये हमारे लिए एक बहुत ही शुभ मांगलिक अवसर प्रदान करता है। आचार्य उमास्वामी महाराज जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से तत्वार सूत्र में विवरण किया है, उसको मैं बाद में कहना चाहूँगा कि विषमता कहाँ पर आती है। विषमता तब आती है बी उपसर्ग लग जाए तो शो है ना, स था वह क्ष हो जाता है, पेट फटा क्ष, शंकर श भी नहीं और समता का स भी, हाँ इसको षटकोण बोलते हैं, हम तो पेट फटा मानते हैं, क्योंकि जब वो लिपि हमने सीखी तो उसको प लिखता मैं और प को उसके पेट को फाड़ देते, इसको पेट फटा बोलते हैं। ये हमारा आविष्कार है, क्योंकि प तो लिखना ही पड़ता है, अब प लिखने के उपरांत लेकिन उसको कोण में ही फाड़ना चाहिए, यदि यूं फाड़ दे तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए आप भी आविष्कार करना चाहें इतने अवश्य ध्यान रखेंगे, आविष्कार एकदम नहीं हुआ करते हैं, बहुत संतुलित होते हैं तब हुआ करते हैं। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि उमास्वामी महाराज जो कह रहे हैं उसको मैं प्रकारांतर से किस ढंग से इसको समझे कि मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। कल एक प्रकार से किसान का उदाहरण दे करके और सिपाही का भी उदाहरण दिया था, आप सुन रहे हैं, हाँ, दो कान और यह मन, ये कितने हो गए, तीन, तिपाई यही है, हाँ इनको अच्छे ढंग से रखिए, यदि एक साथ इधर भी की सुनोगे और इधर को भी सुनोगे तो मन का काम एकदम गोल हो जाएगा। इसलिए आप कान में ला करके रखिए मन को, तब सुनने में आनंद आएगा, यानी एक प्रकार से बिल्कुल बंद हो जाए तब होता काम, अथवा तीनों का एक साथ मेल हो जाए तो काम होता है। ये मेल क्या होता है, अन्यत्र का आकर्षण छूटता है और यहाँ पर वह आकर्षण आ जाता है जिसको हमने अन्यत्र नहीं पाया। टिपाई में से कोई भी पाप, कोई भी पाप विषम नहीं है, ये विषम हो जाए तो ऊपर जो किसान खड़ा है धड़ाम से नीचे आ जाएगा, आई जाएगा नहीं, हाँ क्योंकि वह है तो तीन, तीन किसी एक दिशा में नहीं है, वो विदिशा में होते हैं, हो करके भी वह एक प्रकार से नाप तोल में एक पैर और दूसरे पैर के बीच में वही अंतराल है जो दूसरे और तीसरे में है,
तीसरे और प्रथम में है, कहीं भी से आप नाप लो। फिर इसके उपरांत धीरे धीरे वह अंतराल कम होता हुआ कम होता हुआ कम होता हुआ, ये ध्यान रखे, एक में ज्यादा कमी आ रही हो और दूसरे में ज्यादा कमी आ रही हो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार ये तीनों जो कि बहुत अंतराल को ली हुई थी एक छोर से और ऊपर की छोर में आ जाते हैं तो तीनों यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके ऊपर एक पटिया रख करके उसको फिक्स कर दिया जाता है और उसके ऊपर वो खड़े होते हैं। उसमें थोड़ी सी एक सेंटीमीटर उसके आधा मीटर और कम भी कर दे तो वह खड़ा ज्यादा देर तक नहीं हो सकता। आप दोनों पैरों पर खड़े होते हो, नहीं समझे, समान रूप से खड़े हो जाते हो, एक पैर को आधा सेंटीमीटर ऊपर ऊपर उठा दो और खड़े हो जाओ, होगा होगा तो अवश्य ही अंतरराष्ट्रीय विजय आपको भी प्राप्त हो जाएगी। इसमें अभ्यस्त नहीं हो सकता, हाँ इसका अभ्यास करने पर एक पैर पर भी खड़ा हुआ जा सकता है, किंतु उसमें बहुत मेहनत की और अभ्यास की आवश्यकता है। अब चलने के लिए कहा जाए तो चल तो सकता नहीं, वह एक प्रकार से कूद सकता है लेकिन चल नहीं सकता। ये अंतराल आने से ऐसा होता है। हमारा जीवन भी विषमता से यदि दूर हो जाता है तो पक्का है वह गिरेगा नहीं, वह नियंत्रण में रखेगा अपने आप के जीवन को। हम नियंत्रित नहीं हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं, कषाय हो जाता है जो अनियंत्रणों के कारण, और कषाय भी समान रहा वह नियंत्रण में रहता है। कषायों को नियंत्रण करने का नाम ही संयम है। एकदम संयम के माध्यम से कषाय समाप्त नहीं होता, ये कषाय नियंत्रण में आ जाता है और नियंत्रण में आने से उसको श्रवण अथवा श्रावक कहा जाता है। श्रावक के पास भी जो कषाय है वह अपने नियंत्रण में रहते हैं तो बहुत कुछ वह काम अपने जीवन में कर सकता करता है। श्रवण तो फिर कहना ही क्या, कुछ ही दिनों में ऊर्ध्वगमन हो करके उनका विकास हो जाता है और अंतिम सीमा तक वह उसकी गति हो जाती है। तो वहाँ स्वामी महाराज ने ये टिपाई के माध्यम से उस प्रकार का उदाहरण दिया, ये तीनों पैर उसके टिपाई के समान होते हैं, यानी उसके उन्नति में एक समान रहते हैं। नीचे धरती भी यदि समान रहती है तो वह वहाँ पर जाकर के बैठ सकते हैं और खड़े होकर के अपने आप को निश्चिंत होकर के भूसा को उड़ा सकते हैं। यदि उसमें कमी आ गई तो आप चढ़ते चढ़ते ही गिर जाएंगे, ये पहले देखना अनिवार्य होता है। कभी कभी अब सामने देखते हैं तो उस समय इधर का भी पदार्थ दिखता रहता थोड़ा थोड़ा और इधर का भी दिखता दिखता रहता है, आँखों में जब भी कमियाँ आ जाती है तो वह एक ही वस्तु पांच पांच के रूप में भी देखने को उपलब्ध है वह वस्तु एक, इसलिए उस वस्तु को संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु आई स्पेशलिस्ट को बुलाने की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि मान लो आई स्पेशलिस्ट भी आँखों के अभिषेक से कमजोर है तो बहुत कठिन है। आपको एक वस्तु चार के रूप में दिखता है तो वो कहता है तुम्हें छह कब से दिख रहे हैं वस्तु, सुन रहे हैं? तो वहाँ जिसकी आंखों में कमी है वो कहता है मुझे तो चार दिख रही है, कब से आपको छह दिखना प्रारंभ हो गए? तो वो अभी होशियार था जुगाड़ू, वो कहता है डॉक्टर साहब जब से आपको छह दिख रहे हैं तभी से मुझे चार दिख रहे हैं।
अब ऐसे यदि आंख को देने वाला व्यक्ति आपके आंख की चिकित्सा करेगा तो क्या करेगा? इसलिए समझदारी के साथ चिकित्सकों के पास जाया करो, नहीं तो आजकल हाँ मृत्यु होने के उपरांत भी 4-5 दिन तक तो वेंटिलेटर पर आराम के साथ। विकास की ओर रहता हो, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है? न दवाई है न और कुछ है, ये मात्र हम लोगों का अज्ञान है। ये सिपाही को हम दूसरे उदाहरण से बताना चाहेंगे। जब कोई भी महापदार्थ बहुत वजनी है वस्तु है तो उसको ऊपर उठाना होता है, ऊपर उठाओ, किंतु तिपाई के सहारे से वह उठने लग जाए। वैसे उठाए तो 50 व्यक्ति उसको उठा नहीं सकते, हाथ लगाने के उपरांत बहुत गड़बड़ी हो जाती, किंतु छोटा भी लड़का उस तिपाई की जो है चेन को खींचता है, जंजीर को आसानी के साथ। आपका 10 साल का लड़का भी पर्याप्त है और आप 100 व्यक्ति होकर के भी उसको उठा नहीं पाते हैं, और उसको उठाने के रखने ऊपर की ओर चढ़ा रहा है, और जब वह चेन बंद करता है तो वहीं की वहीं अंतराल में वह पदार्थ रह जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ उसका भार कहाँ गया? बोलो, जो व्यक्ति आज इसकी बारे में नहीं समझता है उसको मोक्ष मार्ग का महत्व समझ में नहीं आएगा। महाराज इसके साथ उसका क्या संबंध? उसमें भी 3 होते हैं ना, क्या होते हैं मालूम है? बस मोक्ष मार्ग उसी को बोलते हैं, और ये सिपाही में भी यही होता है। तो इसलिए हमारा प्राय करके आप लोगों को समझाने के लिए हमारे पास उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। अब खूब देव भर करके ले जाया करो, लेकिन उसको बांटो नहीं, उसको बांटो नहीं, उसको पचाओ, बांट बांट करके उसको पचाओ, तो उसका उपयोग हो जाएगा। तो अब यह है, पूछना मैं चाहता हूं बड़े बड़े इंजीनियरों से, इसका जो भार था वो कहाँ चला गया? 100 व्यक्तियों को उठाने योग्य पदार्थ वह एक लड़का यूं खींच रहा और वह आराम के साथ उठ रहा है, ये कहाँ गया हमें बताओ? या तो जादू है, जादू टोना, गणित में जादू टोना नहीं होता, हाँ जादू टोना जैसे लगता है। इसीलिए जब कभी भी गद्य या अक्षर शब्दों के माध्यम से अर्थ को खोलना चाहते हैं तो गणित के माध्यम से बहुत लंबी चौड़ी हिसाब किताब कर लेते हैं, लेकिन वह लंबी चौड़ी होती हुई भी उसमें एक लय रहता है, किसके साथ किसको मिलाना तब यह बन सकता है। तो वहाँ आज गलतियाँ हो रही हैं समाज के द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूँ, रविवार के दिन थोड़ा सा समय कम मिलेगा आज, लेकिन फिर भी अच्छा दे रहा हूँ, गाढ़ा गाढ़ा जिसको बोल रहे पसला नहीं, हाँ अब गाढ़े को तो कम भी दे दें तो भी वह पचाना आवश्यक है, तो कम को आप कम मत समझो, वो बहुत है। आ? आप रबड़ी समझ लो, कलाकार समझ लो, बेसन दे महाराष्ट्र में होती है, यहाँ पर भी होती है, हाँ वह दूध नहीं है, जो पानी को ओठा जाता है निकाला जाता है तो वह रूप अलग आता है, हाँ उसको पचाने के लिए पहलवानी की भी थोड़ी आवश्यकता है। ऐसे नहीं
खा लिया अच्छे भरपूर और लुढ़क गए होते ही हाँ उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वह तीन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र की बात है। देखो सर्वप्रथम उमा स्वामी महाराज जी ने सम्यक दर्शन को स्थान दिया है, इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की कीमत मूल्य जो है इन दोनों से कई गुने है, कई गुना है। बस सम्यक दर्शन हो गया, सब हो गया, ज्ञान को भी आना पड़ेगा और चरित्र को तो यूं ही हो जाता है, बस यूं ही हो जाता है। बाजार में भाव अगर बढ़ जाए लेकिन एक का भाव नहीं बढ़ता, ध्यान रखो तीनों का भाव बढ़ेगा और तीनों का समान रूप से भाव बढ़ेगा तभी आपका काम होगा। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ करके कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राण मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं कहा, हाँ मोक्ष मार्ग है। ये तीनों मिलकर के अथवा केवल सम्यक दर्शन के माध्यम से बताओ, उमा स्वामी महाराज कहते हैं ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग एक बनता है। अब वो कहता है सम्यक दर्शन को पहले नंबर में लिया है इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। जैसे घर में बड़े पुत्र होते हैं, नहीं समझे तो काय के रहने पुत्र होते हैं बड़े, सब कुछ सहन करो और उनको पहले खिलाओ, फिर बाद में क्या मिला क्या खाया डकार लेकर के आ जाओ, आधा भी मिल जाए तो वह अच्छे ढंग से पानी पी लो और डकार ले लिया, अरे पेट भर खा करके आओ पानी पिया है। आपकी दशा ऐसी है ज्यादा कहते हुए छोटों के बारे में आप सोचते नहीं, लेकिन छोटा कहता है मैं भी पिता का लड़का हूँ, आप भी पिता के लड़के हो, बीच वाले भी पिता के लड़के हैं, तीनों समान रूप से लड़के हैं। छोटे बड़े होना अलग है, वो दिखता है किंतु वह एक ही दिन में बनते हैं, एक ही सेकंड में बनते हैं। ये बड़े भाई कब कहलाएंगे? हाँ जब छोटा भाई पैदा हुआ तो ये बड़े कहलाएंगे, सुन रहे हो आप? हाँ इसलिए छोटे का जन्म आज और बड़े का जन्म बहुत दूर है, ऐसा नहीं, भाई के नाते जिस दिन छोटा भाई का जन्म हुआ उसी समय बड़े का भी हो गया, इसलिए समानता आ गई ना। मैं क्या कम हूँ वो कहता है, मैं क्या कम हूँ अथवा हम क्या कम है, बहुत दिन का काम करता हूँ। तो इसलिए वहां से महाराज जी ने कहा है मोक्ष मार्ग को तोड़ो नहीं, जोड़ करके काम करो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र ये तीनों समान रूप से हैं। उन्होंने समास जैसे किया जाता है, अन्य वचन अन्य पद है महत्वपूर्ण होता प्रधान होता है उसको बहुव्रीहि समास कहा, और दूसरे भी इसी प्रकार उत्तर पद प्रमुख होता है उसको और समास कहा, तो तीसरे में द्वंद्व समास कहा, द्वंद समाज तीनों चारों जितने पद हैं वे समान प्रधानता को लेकर के हैं, यानी उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं हो सकता, समानता की आवश्यकता पड़ती है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का जितना अधिकार है बल है मूल है उतना ही सम्यक ज्ञान उतना ही सम्यक चरित्र का विद्यमान है। इसको जो नहीं समझ रहा है वही व्यक्ति केवल सम्यक दर्शन के पीछे लगा है। अच्छा कुन कहते हैं सम्यक दर्शन के साथ चरित्र को भी लगाना पड़ेगा, जिसका नाम गृहस्थाश्रम में पंचम अनुष्ठान नहीं भी होता हुआ सहिमा सही नहीं भी लेता हुआ सम्यक त्वचन चरित्र
कहा गया है वह सम्यक प्रार्थना चरित्र सम्यक दर्शन के साथ आपका जो शुभ समाचार है, आचार है, वर्तना है, प्रवृत्ति है आदि आदि उसमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि स्वाध्याय के साथ आप लोग उसके साथ साथ उतने ही अंश में महत्वपूर्ण सम्यक चरित्र को भी लेकर के चलिए। जितना महत्व सम्यक चरित्र सम्यक पाचन चरित्र का है उतना ही महत्व सम्यक दर्शन का है और इन दोनों के बीच में रहने वाला सम्यक ज्ञान का है। ऐसा नहीं कि रात दिन सरस्वती पुत्र बन करके आप विशेष रूप से ग्रंथों का आलोड़न करो तो हमारे पास ज्ञान ज्यादा है, तुम कुछ जानते नहीं हो, बैठो हम बता देते हैं, कुछ काम में हो तो ले लो, तो उनको वहाँ छोड़ देना चाहिए। तीनों मिलने से ही हमारा काम होता है। दो तीन उदाहरणों के माध्यम से आपका समय हमने ले लिया। अभी 5 मिनट और है, लेकिन मैं समझता हूँ पहले कहा था हमने बहुत गाढ़ा दिया है इसलिए उसको पचाओ और अगला रविवार आता है उसकी प्रतीक्षा करो। इन लोगों ने कुछ बातें तो कही, बीच में एक रविवार और आएगा, फिर इसके उपरांत रविवार आएगा, कुछ अलग ही बात लेकर के आएगा। हाँ, और उसके माध्यम से आपको कैसा आगे करना है ये जानकारी मिलेगी, इतना तो मैं पर्याप्त समझता हूँ। और हमारा यहाँ पर आना लगभग मेरा हो 19 तारीख, अब लगभग तो हम कह रहे हैं, कह ही रहे हैं, नहीं समझे है? 19 को आए थे, 17 आ गए, अभी 19-20 तो है ही, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन हाँ इसको एक महीना मान करके ही चलते हैं क्योंकि तारीख में गड़बड़ बड़न हो जाता है, लेकिन वहाँ भारतीय संसार ठीक ठाक चलता रहता है, इसलिए एक महीना तो हमारा हो गया, ये अनिश्चित था, नहीं समझे, लेकिन एक महीना तो पक्का हो ही गया। अब यह लोग कुछ चिट्ठी मिठी और घोषित कर रहे हैं तो हमने कहा देखो यदि आप लोग कुछ काम विशेष करोगे तो हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आओ, बहुत अच्छा, ऐसा ही आप लोगों का उल्लास बढ़ता रहे, लेकिन ये ध्यान रखना हो सकता है क्योंकि हम निश्चित तो कुछ नहीं कर नहीं सकते। भविष्य की गोद में जो घटित होने वाला है उसको हम आज ही कैसे हाउ कह दे, आप कहो दो हाउ, ये तो सत्य नहीं माना जाएगा। ये आएगा भैया, ये लोग तो है ना पीछे का भी आगे का भी सब मिला करके जमा करते हैं, वस्तुतः वर्तमान में जो होता है वही होता है और वही वर्तमान को मंजूर होता है। आप महावीर भगवान के संत प्रणाली में आते हो तो वर्तमान को सुधारते हुए भविष्य की ओर कदम बढ़ेंगे बढ़ाएंगे, यही हमारा कथन है। अहिंसा परमो धर्म की